हेलो दोस्तों, मैं रेनू दुबे देसी किचन बाय रेनू डी चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको भिंडी की कुछ अलग तरीके से सब्जी बताने जा रही हूँ। भिंडी और प्याज की सब्जी, दोस्तों इसे हम भिंडी प्याजा भी बोलते हैं। दोस्तों, हमने अपनी भिंडी को धो के साफ कर लिया है अच्छी तरह से और इसको इस तरह से कट कर लिया है। दोस्तों, हमने प्याज भी कट कर लिया है, इसको प्याजा भिंडी प्याजा इसलिए बोलते हैं दोस्तों, इसमें प्याज थोड़ा ज़्यादा चाहिए होती है। इसमें हमने चार बड़ी बड़ी प्याजें कट कर ली हैं और दोस्तों अब हम इसका बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तेल दोस्तों लगभग गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे कटी हुई हरी मिर्च। अब ऐड करेंगे दोस्तों इसमें, हमारी मिर्च भी पक चुकी है दोस्तों, देखिए। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। इसमें प्याज की मात्रा ज़्यादा रहेगी इस सब्जी में दोस्तों। देखिए, हमारी प्याज लगभग गोल्डन ब्राउन हो रही है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, क्योंकि इसको भिंडी के साथ भी पकाना है हमें। अब हम इसमें अपनी कटी हुई भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडी ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको हम दो मिनट के लिए इसी तरह से ढक देंगे। अब हम इसको खोल के देखते हैं, देखिए लगभग भुन गई है हमारी सब्जी। अब इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे। नमक दोस्तों इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर छोड़ देंगे। अब हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं, देखिए लगभग पक चुकी है हमारी सब्जी। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और दोस्तों इसमें हम मैगी मसाला ऐड करेंगे। इसको ढक देते हैं दो मिनट के लिए फिर से। देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी खूब अच्छी तरह से पक चुकी है। दोस्तों, आप भी हमारी बताई हुई इस ट्रिक से एक बार भिंडी की सब्जी इस तरह से बनाइएगा और आपको ये खाने में कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी भिंडी और प्याज की सब्जी इस तरह से बनकर रेडी है। आप भी इस तरह से इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करिए और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।